हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कुर्की का आदेश इसलिए आया है क्योंकि सरकार पर एक हाइड्रो पावर कंपनी का 150 करोड़ रुपए का बकाया है। हाई कोर्ट की जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने आदेश दिया कि कंपनी दिल्ली में बने हिमाचल भवन की नीलामी कर सकती है। हिमाचल हाई कोर्ट के इस आदेश पर सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है और इस महीने उस पर सुनवाई हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और नीलामी की नौबत आखिर क्यों आई। अट्ठाईस फरवरी 2009 को हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया था। तब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। इस प्रोजेक्ट के तहत लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 340 मेगावाट का एक प्लांट बनना था। इसके लिए कंपनी ने 64 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी कर दिए थे। तकनीकी तौर पर इसे अपफ्रंट प्रीमियम कहा जाता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका और इसे बंद कर दिया गया। सरकार ने 64 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए। कंपनी ने सरकार के इस फैसले को आर्बिट्रेशन में चुनौती दी। आर्बिट्रेशन ने कंपनी के हक में फैसला सुनाया और ब्याज के साथ अपफ्रंट प्रीमियम लौटाने का आदेश दिया। आर्बिट्रेशन के आदेश न मानने पर कंपनी ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 13 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो ब्याज समेत सारा पैसा कंपनी को चुकाए, लेकिन तब भी बकाया नहीं चुकाया गया। सोमवार को हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि कंपनी हिमाचल भवन को नीलाम करने के लिए कदम उठा सकती है। सरकार को पहले 64 करोड़ रुपए वापस करने थे, लेकिन कोर्ट ने 7% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है। इस हिसाब से अब सरकार पर कंपनी का लगभग 150 करोड़ का बकाया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल भवन जैसी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जो सरकार की नाकामी को दिखाता है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के लिए 64 करोड़ रुपए जमा कराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल सरकार पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज और बढ़कर करीब 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कर्ज सिर्फ कांग्रेस सरकार में ही बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि सुक्खू सरकार से पहले की दो सरकारों में भी हिमाचल पर काफी कर्ज बढ़ गया था। सुक्खू से पहले बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में कर्ज 46% तक बढ़ा था। मार्च 2018 तक हिमाचल सरकार पर 47,244 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2022 तक बढ़कर लगभग 69,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। बीजेपी सरकार से पहले 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में 56% तक कर्ज बढ़ गया था। दरअसल 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। अब इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है, लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर दी गई है, जिससे 1000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन तीनों स्कीम पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल सरकार को और झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को और कम कर दिया। पहले हिमाचल सरकार अपनी GDP का 5% तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब कर्ज की सीमा 3.5% कर दी गई है।
यानी पहले राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब 9,000 करोड़ रुपए ही ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।